कि जो इबादतें हैं इन्हें तजर्बों से नहीं हासिल किया जा सकता। मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा अभी। इबादत शरई दलीलों से साबित होगी, इबादत किसी के तजर्बा से साबित नहीं होगी। कितना भी बड़ा शेख हो, कितनी भी ऊंची टोपी हो, कितना भी खूबसूरत और बड़ा डिजाइनदार अमामा हो, कैसा भी कुछ हो, कैसे भी उसकी वजाकता हो, कुछ भी हो, किसी के तजर्बा की बुनियाद पे कोई इबादत नहीं साबित होती, नहीं ली जा सकती, नहीं हासिल होती। उसके लिए किसी शरई दलील की जरूरत होती है। अब किसी का तजर्बा यह हो गया कि आशूरा के दिन खर्च करने से फला फायदा हुआ, किसी का तजर्बा हो गया कि रजब की 27वीं तारीख में फला अमल किया तो फला बेनिफिट मिल गया, फला रूहानी तजर्बा हुआ, फला तरह के एहसासात दिल में जागे, हाँ तजर्बा हुआ, रास्ता भूल गया, फला वजीफा किया तो ऐसा हो गया, लड़का ऐसा था, फला बाबा के पास गया तो जबरदस्त फरमाबरदार हो गया, पंडित जी के पास चला गया, उसकी बोली ठोली, उसकी शब्दावली, उसके शुभ संकेत सब बड़े मधुर हो गए, बड़े अच्छे हो गए, पंडित जी के पास गया, तजर्बा हुआ, शानदार तजर्बा है। लेकिन इन तजर्बों की बुनियाद पे कोई इबादत नहीं क्लियर की जा सकती। इन तजर्बों की बुनियाद पे वो चाहे खट्टा हो और चाहे तजर्बा मीठा हो, किसी खट्टे तजर्बे की वजह से कोई साबित शुदा इबादत खत्म नहीं की जा सकती, और किसी मीठे तजर्बे की वजह से जो इबादत नहीं है वो इबादत नहीं हो सकती। हत्ता कि अगर गैर मसनून तरीके से दुआ करने पर आपकी दुआ कबूल हो जाए, आपको लगे कि मैंने जो मांगा था अल्लाह से वो चीज मिल गई और दुआ आपने सुन्नत के मुताबिक नहीं किया था मसलन, तो उससे भी आपका जो गैर मसनून तरीका है वो मसनून नहीं हो जाएगा। आप उसके लिए दलील नहीं पेश कर सकते कि अगर ये गैर मसनून होता, इस जिस तरीके पे मैंने दुआ की थी, अगर ये गलत होता तो फिर मेरी दुआ क्यों कबूल होती, आप इसको दलील में नहीं पेश कर सकते, क्योंकि मुशरिक की भी दुआ कबूल होती है। पुराने पाक में है ना कि जब ये समुंदर में फंसते हैं मुसीबत में, और फिर मुखलिसीन अलहुद्दीन दीन को बिल्कुल अल्लाह से खालिस करके पुकारते, अल्लाह को बिल्कुल अल्लाह को, सारे जितने माबूदाने बातला सबको छोड़ करके सिर्फ अल्लाह से लौ लगा के पुकारते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नजात दे देता है, कश्ती बचा लेता है, बेड़ा पार लग जाता है मौजों से, उसको अल्लाह ताला बचा लेता है। यहाँ तो लोग मौजों में भी अल्लाह को नहीं पुकारते। हाँ कैसे है वो खान साहब का शेर, अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकसो तूफान होश रुबा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। कौन नैया पार लगाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको बुलाया जा रहा है, खान साहब उनको बुला रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं। यहाँ मुशरिकीन भी जब मझधार में फंस रहे हैं तो नैया पार लगाने के लिए अल्लाह ने कहा कि वो अल्लाह को पुकारते जब, तो फिर जब हम उनको नजात देते, फलम्मा नज्जाहु मिनल बर इज़ा हुम युशरिकून, जब हम उनको खुशकी की तरफ ले आते तो फिर शिर्क करने लगते। मालूम क्या हुआ, मुशरिक की भी दुआ कबूल हो सकती है, कबूल हुई है, लेकिन उसकी कोई चीज दलील नहीं बन जाएगी दुआ की कबूलियत की वजह से। हत्ता की तो मैंने ये कहा कि किसी के तजर्बे की वजह से, किसी बेनिफिट की वजह से, किसी फायदा की वजह से कोई गलत चीज सही नहीं हो सकती। बहुत धोखा होता है इससे। हमारे जो भी सामईन मौजूद हैं, नाजरीन मौजूद हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जहन में बैठा लें, ये वो चीज है जिससे बहुत धोखा होता है, बहुत धोखा होता है, बहुत धोखा होता है। इसलिए ये जो गुफ्तगू है ना, ये इंतहाई अहम है, इसको जहन में रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।